खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो भैया गाजीपुर में हैं हम आज, और गाजीपुर वालों एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। गाजीपुर को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान, और देखिए गाजीपुर की खूबसूरत जनता हमारे साथ यहां बैठी हुई है, और हम अपने साथ जो दो खास मेहमान लेकर आए हैं वो भी दर्शकों के बीच लगातार रहेंगे। हम कौन बनेगा प्रधानमंत्री शुरू करें गाजीपुर से, उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दूं। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि बीकानेर सीमा में पाकिस्तान के मानव रहित विमान ड्रोन ने घुसने की कोशिश की और हमारी वायुसेना ने उसे मार गिराया। एक बार सेना के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। कितने चौकस हैं हमारे जवान। इस बड़ी खबर के साथ गाजीपुर से कौन बनेगा प्रधानमंत्री की शुरुआत करते हैं। 2019 की 19 बड़ी खबरों के साथ। गुजरात की रैली में मोदी ने कहा, अगर राफेल होता तो पाकिस्तान का एक भी बचता नहीं, हमारा एक भी जाता नहीं। जामनगर की जनसभा में बोले अमित शाह, कहा वायुसेना की एयर स्ट्राइक में 250 आतंकी मारे गए। कांग्रेस ने पूछा, वायुसेना ने नहीं दी जानकारी तो शाह को कैसे पता चला। एयर स्ट्राइक पर सिद्धू ने भी उठाए सवाल, पूछा 300 आतंकी मारे या पेड़ गिराए। कपिल सिब्बल बोले, आतंकियों की लाशें तो दिखाओ। वायुसेना ने कहा, हमारा काम सिर्फ टारगेट को उड़ाना है, आतंकियों की लाशें गिनना नहीं। बोले, अगर हमारे बम जंगल में गिरे तो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई क्यों की। सेना की वर्दी पहनकर बीजेपी की रैली में वोट मांगने पहुंचे मनोज तिवारी पर सोशल मीडिया पर उठे सवाल, पूछा हमले वाले दिन की शाम नाचे थे, अब वर्दी में प्रचार क्यों। बेगूसराय में शहीद पिंटू के घर देर से पहुंचे बिहार के मंत्री विजय सिन्हा, परिवार ने शहीद का अपमान बताया। चुनाव की तैयारियों के लिए जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग की टीम, राजनीतिक पार्टियों से मांगे जा रहे हैं सुझाव। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, अहमदाबाद में मेट्रो का उद्घाटन किया, कई योजनाओं की शुरुआत की। कल मध्य प्रदेश में मोदी शुरू करेंगे चुनाव प्रचार, धार में करेंगे विजय संकल्प रैली। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ बोले, अगले 4 दिन में 25 लाख किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। राहुल का मोदी पर हमला, कहा अमेठी में मोदी ने फिर झूठ बोला, मैंने 2010 में ही हथियार फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, वहां हथियार भी बन रहे हैं। 6 मार्च को तमिलनाडु में बीजेपी गठबंधन के लिए AIADMK और PM के नेताओं के साथ बैठक करेगी। पीयूष गोयल बोले, PM मोदी भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बेंगलुरु में कांग्रेस और JDS की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। DMK की राज्यसभा सांसद और करुणा निधि की बेटी कनी मौजी ने लोकसभा सीट के लिए पार्टी में आवेदन किया। बिहार के बाहर दूसरे दलों से गठबंधन के लिए JDU ने प्रशांत किशोर, RCP सिंह और KC त्यागी की कमेटी बनाई। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा, पंजाब में कांग्रेस, अकाली या आप से कोई गठबंधन नहीं करेगी। पंजाब में अकाली दल के सांसद शेर सिंह गुबाया ने पार्टी से इस्तीफा दिया। फिरोजपुर से सांसद शेर सिंह कई दिन से नाराज थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से नमो टी शर्ट समेत प्रचार के दूसरे सामान वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए पूछा, क्या चुनाव की तारीख के ऐलान के लिए चुनाव आयोग मोदी का प्रचार खत्म होने का इंतजार कर रहा है। पराक्रम पर प्रहार हो रहा है, हमारी सेना पूरी तरह चौकस है। दुश्मन की जरा सी हरकत होती है और हमारी सेना उसे जहन्नुम में पहुंचा देती है, लेकिन फिर भी देश में कुछ लोग पराक्रम पर प्रहार कर रहे हैं, सेना से सबूत मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सच में सेना ने पराक्रम दिखाया है या चुनावी फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
भारतीय सेना के शौर्य से कांपा पाकिस्तान। पाकिस्तान में घुसकर पहली बार हुई आतंकियों पर कार्रवाई। हिंदुस्तान में दहशत फैलाने वाले पाकिस्तानी आतंकियों का हुआ संहार। लेकिन देश में अब भारतीय जांबाजों की जांबाजी पर राजनीति होने लगी है। सबसे पहले देखिए पीएम मोदी का वो बयान जो उन्होंने एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों के लिए दिया है। अब इन्हीं दलों के नेता हमारे वीर जवानों ने जो पराक्रम दिखाया उस पर संदेह कर रहे हैं। जैसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा जा रहा था, अब वो आतंकी ठिकानों को हवाई हमले में खत्म किए जाने का भी सबूत मांगने लगे हैं। मोदी का ये बयान विपक्ष के उन नेताओं के खिलाफ आया है जिसमें इस बात को लेकर सबूत मांगे जा रहे हैं कि भारतीय सेना ने 26 फरवरी की रात पाकिस्तान में क्या किया। दुश्मनों पर प्रहार करने वाली वायुसेना के पराक्रम पर ही प्रहार करने वाले इन नेताओं के पहले नाम जान लीजिए। ममता बनर्जी, दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल, अरविंद केजरीवाल, नवजोत सिंह सिद्धू, ये वो लोग हैं जिन्हें इस बात का सबूत चाहिए कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में क्या किया। सबूत इसलिए चाहिए क्योंकि इन्हें शायद सेना पर भरोसा नहीं है। कायदे से तो देश के वीरों पर सवाल उठाने वाले नेताओं का बयान भी नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन ये जरूरी इसलिए है क्योंकि देश को ये देखना चाहिए कि पहले देश है फिर राजनीति। खुले में तो सैटेलाइट के माध्यम से सारी पिक्चर सामने आ जाती है, तो जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। सारा देश चाहता है कि हमें भी सुकून मिले जब हम देखें वो लाशें आतंकियों की। हम देखना चाहते हैं वो लाशें आतंकियों की ताकि हमें सुकून मिले, राजनीतिक दलों को सुकून मिले, देश की जनता को सुकून मिले। सिद्धू तो पूछ रहे हैं 300 आतंकी मारे हाँ या ना, अगर नहीं तो फिर मकसद क्या था? आप आतंकियों को मार रहे थे या पेड़ गिरा रहे थे? क्या ये चुनावी हथकंडा था? ये वही सिद्धू हैं जो पाकिस्तान का बचाव करते हुए देश के जवानों की शहादत पर भी सियासत करते रहे। सियासत पर विवाद और ज्यादा तब तेज हो गया जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मौत का आंकड़ा पेश कर दिया। पुलवामा ની અંદર ઘટના થતાની સાથે બધાને એવું હતું કે આ વખતે તો સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક ના થઈ શકે, હવે શું થશે કે એલર્ટનેસ બહુ હતી। પરંતુ મિત્રો, નરેન્દ્ર મોદી સરકારે બરોબર 13માના દિવસે એર સ્ટ્રાઇક કરી 250 થી વધારે આતંકવાદીઓને શોધ। कायदे से देखे तो आतंकियों की मौत का नंबर सरकार या सेना ने जारी नहीं किया है। अमित शाह जिस नंबर का जिक्र कर रहे हैं उस नंबर का जिक्र 26 फरवरी से ही देश की मीडिया सेना सूत्रों के हवाले से बता रही है। जहां तक सेना का सवाल है कि वो कह चुकी है कि सबूत हैं और सरकार जब कहेगी दिखा देंगे। That statement will be made by the government. No, I mean, we are not, I am not, Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside it, that we don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. We can't count how many people have died. That depends on how many people were there. जहां तक आतंकियों की मौत के आंकड़े का सवाल है तो हमला पाकिस्तान में हुआ, आतंकी पाकिस्तान में मरे हैं। पाकिस्तान की सरकार या पुलिस कैमरे पर आकर ये कबूल नहीं करेगी कि भारत ने उसके आंगन में चल रहे आतंकी कैंप को उड़ा दिया है। हाँ, जिस तरीके से आतंकी और पाकिस्तानी बिलबिलाए हुए हैं उससे इस बात की पुष्टि होती है कि हमारी पराक्रमी सेना ने पाकिस्तान को घुसकर मारा है और देश वीरों की बहादुरी का सम्मान करता है।
और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो मिशन गुजरात पर निकल चुके हैं। आज वो मिशन गुजरात पर थे और वहां उन्होंने पाटीदार समाज की कुल देवी उमिया माता के मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। और इस मौके पर मोदी ने लोगों से कहा कि चिंता मत कीजिए, 2019 के चुनाव के बाद मैं ही आऊंगा। खुद फावड़ा चलाकर पीएम मोदी ने उमिया माता मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया। हजारों की भीड़ के बीच मोदी की यहां मौजूदगी सियासी मायनों में काफी अहम है। अहम इसलिए क्योंकि जिन उमिया माता मंदिर का भूमि पूजन मोदी ने किया है वो पाटीदार समाज की कुलदेवी है। वही पाटीदार समाज जिसकी वजह से गुजरात में बीजेपी की गद्दी डोलती दिख रही थी, लेकिन आज गुजरात के अहमदाबाद में उमड़ी ये भीड़ बताती है कि पाटीदार समाज कहां खड़ा है। मोदी ने यहां भाषण गुजराती में दिया लेकिन संदेश पूरे भारत को। मोदी बोले 2019 के बाद भी मैं ही हूं। इस कार्यक्रम के बाद मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो की शुरुआत की। खुद पीएम मोदी मेट्रो में बैठकर सफर करने निकल पड़े। मोदी मेट्रो में थे और बाहर उनकी झलक के लिए लोग बेचैन दिख रहे थे। घर की छत हो या फिर बालकनी, रोड पर भी सैकड़ों की भीड़ मेट्रो में बैठे मोदी को देखने के लिए बेकरार थी। मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया। मेट्रो में बैठे बैठे ही हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते रहे। इससे पहले आज मोदी जामनगर में थे। यहां कई योजनाओं का शुभारंभ करने के बाद मोदी रैली में पहुंचे तो विरोधियों पर करारा प्रहार किया। तमने अपना देश की सेना जे के एमा भरोसो छे के नथी? सेना जे कहे साचू मानवानु ना मानवानु है? मारे पण मानवानु है कि ना मानवानु है? पर केटलाक लोगों पेट में दुखे जाए। भाइयों बहनों, आ देश ने गर्व होवो जोईए कि हमारी सेना ताकत बतावे छे। मोदी पूरी तरह इलेक्शन मोड में है। कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। कल मोदी यूपी और बिहार में थे तो आज गुजरात पहुंच गए। पिछली बार गुजरात की सभी 26 सीटें बीजेपी ने जीती थी। दो दिन में मोदी ने 146 सीटें कवर कर ली। गाजीपुर से बहुत जल्द हम चर्चा शुरू करेंगे। जनता के सवाल होंगे और उनके नेताओं के जवाब होंगे। हमारे पास चारों प्रमुख पार्टियों से मेहमान आ चुके हैं। कुछ ही पलों में मैं इन्हें मंच पर बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको और दे दें, और वो ये कि उड़ीसा के बड़े नेता जय पांडा बीजेपी में शामिल हो गए। आपको याद होगा पिछले ही साल हमने इस बात की संभावना जता दी थी कि वो ऐसा कर सकते हैं जब वो बीजेडी से निकले थे। आज गले में बीजेपी का पट्टा पहने दिख रहे जय पांडा का मतलब दिल्ली की राजनीति में बीजू जनता दल हुआ करता था, लेकिन जय पांडा ने मोदी की तारीफ कर दी तो नवीन पटनायक ने उन्हें पिछले साल बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब चुनावी साल में पांडा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का नेतृत्व को स्वीकार करता हूं और मानता हूं कि ये भारत को आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। जय पांडा का असली नाम विजयंत पांडा है। साल 2000 से 2009 तक राज्यसभा के सांसद रहे। 2009 में पहली बार और 2014 में दूसरी बार केंद्र पाड़ा सीट से लोकसभा के लिए चुने गए। पिछले साल जब पांडा को प्रवक्ता के पद से बीजेडी ने हटाया था तभी हमने इस बात की संभावना जताई थी कि चुनाव से पहले वो बीजेपी में चले जाएंगे, और हुआ भी वैसा ही। कि वैजन बाबू की आज इस समय में बीजेपी में ज्वाइन करना, भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़ती हुई भूमिका उड़ीसा की राजनीति में दिख रही है, बनने वाला है, उसी में बैजन बाबू की ज्वाइन करना, उस दिशा में एक बहुत समय के हिसाब से और बहुत फायदे की और लाभ की निर्णय उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी को होगा।
पांडा का बीजेपी में जाना इस मायने में काफी अहम है क्योंकि ओडिशा में विधानसभा की 147 सीटें हैं। बीजेडी को 2014 में 117 और बीजेपी को 10 सीटें मिली थी। राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। 2014 में बीजेडी को 20 और बीजेपी को 1 सीट मिली। यहां लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने हैं। पांडा के बीजेपी में आने से बीजेपी को फायदा होगा, फायदा इस लिहाज से भी क्योंकि मोदी के पुरी से लड़ने की चर्चा हो रही है।